तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर क्लास टेंथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एल्गोरिथम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, और फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम कहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं, किस चीज़ को फाइंड करने में हम यूज कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एल्गोरिथम एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो एल्गोरिथम एक्चुअल में जो एल्गोरिथम होता है, हम ये बोल सकते हैं कि एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच gives a procedure for solving a type of problem। क्या मतलब हुआ इसका, समझते हैं चीजों को। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है कि एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर। मतलब एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज होती है जो एक प्रोसीजर हमें देती है, और उस प्रोसीजर को यूज करके हम किसी सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। राइट, ये तो मतलब हो गया एल्गोरिथम का। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो उसे भी समझ लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो बेसिकली जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, तो हम ये बोल सकते हैं यूक्लिड, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम EDA, राइट, इज अ टेक्निक टू कंप्यूट the highest common factor, right? तो अगर आप देखो highest common factor means HCF, highest common factor of two given positive integers, right? ओके, तो हमें ये पता लग गया कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है वो एक तरह की टेक्निक है जो कि हमें एचसीएफ को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करेंगे दो नंबर के बीच में एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल इज फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 बाय यूजिंग EDA यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। तो देखिए, अगर आप इसमें देखोगे तो 135 और 225 में जो बिगेस्ट नंबर है या बिगेस्ट जो इंटीजर है वो हमारे पास 225 है, राइट, एंड b इज इक्वल टू 135। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, अगर आपको लेमा नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझाया गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उसे देखें फिर इसके बाद ये वाली वीडियो देखें। तो a इज इक्वल टू 225, b इज इक्वल टू 135, राइट। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं लेमा यूज करता हूँ तो मुझे पहले 225 को डिवाइड कर लेना चाहिए 135 से। तो अगर मैं ये डिवाइड करता हूँ 135 × 1 = 135, तो इस तरीके से आपको क्या मिलने वाला है, 0 एंड 12 में से 3 माइनस हो गया, आपको मिलेगा 9, 90।
राइट। तो अब क्या करने जा रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिखा है, राइट, ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे डिवाइड करके लिखा है, इस एक्सप्रेशन को मैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। मैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में बात कर रहा हूँ कि ये जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है एक्चुअल में क्या है, लेमा है। ठीक, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1, मतलब इसमें हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, मतलब 90। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये a है हमारा, ये b है, ये q है और ये हमारे पास r है। तो आप देख सकते हो कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ओके, अब क्या करना है, इसके बाद आपको चेक करना है कि रिमाइंडर इसका क्या आ रहा है। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 90, रिमाइंडर 90 आ रहा है। तो रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं आ जाएगा तब तक ये प्रोसेस हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। जैसे ही रिमाइंडर जीरो आ जाएगा हम बोल देंगे कि जो b की वैल्यू आ रही है ना वही एसटीएफ है। आई होप आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आप प्रोसेस देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, r इज इक्वल टू 90 हो गया, राइट। तो आप ये कह सकते हैं देयरफॉर कि जो अब b है वो a में कन्वर्ट हो गया, मतलब b 135 था तो अब ये a में कन्वर्ट हो गया, a इज इक्वल टू 135, राइट। और जो r है वो b में कन्वर्ट हो गया, मतलब b इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 90। अगेन यूजिंग EDL एंड यू कैन से यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि आप उसी लेमा का बार बार यूज करते जा रहे हो तो ये एक स्टेप फॉलो हो गया, स्टेप बन गया, इसलिए मैं इसको यहाँ पर EDA बोल देता हूँ, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो मुझे रफ में डिवाइड करना पड़ेगा 135 को 90 से, बताइएगा मत किसी को, अलग से डिवाइड कर लीजिएगा। तो 135 90 into 1 90 into 2, अगर करता हूँ तो 180, तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 1 टाइम्स जाएगा, 90 into 1 5 13 minus 9 that is 4 45 आ गया, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप कि 135 इज इक्वल टू 90 into 1, 90 का 1 में मल्टीप्लाई, देन इसमें रिमाइंडर ऐड कर दीजिए, तो 90 into 1 plus 45, राइट। तो अगर आप यहाँ देखोगे फिर से जो रिमाइंडर आ रहा है वो 45 है, मतलब इस बार भी रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आया, यानी रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे कि अब जो हमारा b है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, a में, और जो रिमाइंडर है वो कन्वर्ट हो जाएगा b में। तो b हमारे पास 90 था और रिमाइंडर हमारे पास 45 था, इसका मतलब a इज इक्वल टू हमारा 90 हो जाएगा और जो b है वो हमारा हो जाएगा 45। अगेन यूजिंग EDA, हमने फिर से EDA लगाया, और जैसे मैं EDA लगाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, मुझे 90 को डिवाइड करना पड़ेगा 45 से, राइट, 45 into 2 90, रिमाइंडर के आगे जीरो। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के हिसाब से अगर मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 इज इक्वल टू, राइट, 45 into 2 प्लस रिमाइंडर। नाउ फाइनली वी गॉट द रिमाइंडर जीरो। तो अगर रिमाइंडर हमें जीरो मिल चुका है तो इस प्लेस पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो b के प्लेस पर 45 आ रहा है। अब यही जो 45 है ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, देयरफॉर एचसीएफ वुड बी 45, राइट, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 45। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी दो नंबर के बीच में हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। इसे प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।